जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यशपाल ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत मेरे पति यशपाल अग्रवाल जी ने की थी। आज इस कंपनी का नाम बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ा गया है। उनकी धर्मपत्नी होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि इस कंपनी को लेकर जो सपना उन्होंने देखा था उसे अब मैं पूरा करूं। इस कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का पूरा पूरा सहयोग रहा है। मैं आप सब लोगों की शुक्रगुजार हूं जिन्होंने यशपाल जी के विश्वास को अपना विश्वास समझा। इस विश्वास से, इस परिवार से मैं हमेशा जुड़ी रहूंगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस कंपनी की 51% शेयर होल्डर होने के नाते मैं इस कंपनी की पूरी जिम्मेदारी निभाऊं। उम्मीद करती हूं इस जिम्मेदारी पर खरा उतरने के लिए आप लोगों का वही प्यार, वही साथ और वही विश्वास मुझे मिलेगा जो आज तक आप लोगों ने मेरे परिवार को दिया है। मैं इस स्टाफ की तरफ से कुछ कहना चाहूंगा। हाँ, आज हम जिस जगह खड़े हैं वो जगह, उसकी अहमियत पापा ने बनाई। दिन रात मेहनत करके इस कंपनी को उस ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिस पर हम सबको नाज। लेकिन आज आज हम सबको ऐसा लग रहा है कि जो सहारा हमसे छीन गया वो सहारा आज लौट आया। थैंक्स मां, यहां आकर आपने हम सबका हौसला बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। तुम कब आए?
अभी ये लो तुम्हारा नया मोबाइल फोन। मोबाइल? लेकिन इसकी क्या जरूरत है राज? जरूरत है, जब भी मुझसे बात करने का मन करे इसी फोन से कर लेना। लैंडलाइन नंबर मैंने डीएक्टिवेट करवा लिया, नए नंबर के लिए अप्लाई भी कर दिया है। तुम ये नंबर सिर्फ अपने कुछ खास लोगों को दे देना, जैसे कि राधा, रितु या फिर तुम्हारी मम्मी डैडी। इतनी मुश्किलों से मैंने दिव्यानी मैडम, अजय सर, रवि सर, इन सबकी नजरों में खास बनने की कोशिश की और अभी तक मुझे एक भी प्रमोशन नहीं मिला। अब ये कविता मैडम ऑफिस में आ गई, अब तो उनकी मर्जी के बिना इस ऑफिस में कुछ भी नहीं होगा, तो क्या मुझे उन्हें भी इंप्रेस करना होगा? हे भगवान, ऐसा हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? जब मुझे लगता है कि मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब जा चुका हूं, उसी वक्त मंजिल मुझसे बहुत दूर चली जाती है। क्या आपको मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? एक बात बताइए मुझे, एक प्रमोशन पाने के लिए मैं कब तक इसी तरह अपनी वफादारी बदलता रहूंगा? क्या कहूं मैं? आज से केबिन आपका है मॉम। ये वही कुर्सी है जिस पर पापा बैठा करते थे। पापा के बाद इस कुर्सी पर अगर किसी के बैठने का हक है तो सिर्फ आपका मॉम। आपने जो ऑफिस में आने का फैसला लिया है उससे हम सब खुश हैं और मुझे यकीन है पापा भी बहुत खुश होंगे। वक्त जिम्मेदारियां संभालना खुद ब खुद सिखा देता है बेटा। तुम्हारे पापा के होते हुए मैंने कभी ऑफिस आने के बारे में सोचा ही नहीं था। वो हमेशा कहते रहे पर मैंने अपनी जिंदगी अपने बच्चों के नाम कर दी थी। आज जब तुम्हारे पापा नहीं रहे तो उनके हिस्से की जिम्मेदारियां भी मुझे ही निभानी होगी ना। और वैसे भी अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, तारा की शादी होने वाली है, मुझे लगता है यही सही वक्त है मेरे ऑफिस ज्वाइन करने का। जिंदगी की ये शुरुआत मैंने शायद बहुत देर से की पर मुझे पूरा यकीन है अगर मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो जिंदगी के हर कदम पे मुझे कामयाबी हासिल होगी। मां, हम आपके हर फैसले में हमेशा आपके साथ हैं। भाभी,
ये सारी आपके लिए है। तारा, तुम मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? हाँ भाभी, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं ये आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपने भी मुझे तोहफा दिया है। ये तो मैंने कल ही खरीद ली थी। लेकिन मुझे देने की हिम्मत नहीं हुई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तारा, तुम नहीं जानते कि ये गिफ्ट मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये तुमने मुझे दिया है। और तारा, ये गिफ्ट देकर तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी भाभी को ना पसंद करने की चाहे जितनी कोशिश करो लेकिन अपनी भाभी का ख्याल तुम्हें हमेशा रहेगा। थैंक यू। तुम दोनों यहाँ और मैंने पूरा घर देखा। अरे भाई, आज भाभी ऑफिस गई है, फोन करके बधाई नहीं देनी? माँ को दफ्तर ले, फोन मैं करूंगी। छोड़िए, मेरी माँ कर ले। मॉम, ऑफिस में आपके लिए पहला फोन। देखिए, शायद घर से ही होगा। हेलो मॉम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको ऑफिस में? और इन लोगों ने आपको वेलकम कैसे किया? और मैंने आपको जो गणपति जी दिए थे आपने अपने केबिन में रखे ना? अरे बेटा, मुझे बोलने का मौका तो दे। ऑफिस में मुझे बहुत अच्छा लग रहा। सच कहूं, रवि और अजय इस तरह से साथ है जैसे लगता ही नहीं कि मैं घर से दूर हूँ। और तुमने जो गणेश जी की मूर्त दी है ना, वो बिल्कुल मेरे सामने है ताकि भगवान मुझे हिम्मत दे और मुझसे कभी कोई भूल ना हो। मॉम, आप कभी कोई भूल नहीं कर सकते। लेकिन मॉम, आप वो खड़ूस वाली बॉस मत बनिएगा। आप वैसे ही रहना जैसे आप हो, क्यूट से, प्यारे से। अच्छा, आप राधा भाभी से बात कीजिए। हेलो मामी जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू राधा बेटी। अरे बेटा, ये तुम लोगों का प्यार ही तो है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाने की हिम्मत दी। अब अजय यही है, बात करोगी? माँ, मुझे वो क्लाइंट को फाइल पहुँचानी, मैं देख कर रहा था रेडी है या नहीं। अरे अजय, फाइल बाद में पहुँचा देना, अभी राधा से तो बात करो। भैया, वो काम बहुत जरूरी है, मैं भी आता हूँ। राधा बेटा, वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं बाद में बात कर लूंगी उनसे। आप बुआ जी से बात कीजिए। नीचे बात कर लो। नीचे। हेलो भाभी, कंग्रेचुलेशंस। हाँ हाँ, अब तो आपको बॉस कहकर बुलाना पड़ेगा। वाकई में भाभी, आपने हम सबको सरप्राइज दे दी, कसम से। अजय, तुमने क्या सच में हर रिश्ता तोड़ दिया है मुझसे? तो मैं चलता हूँ। अरे कोई बात, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हो, दरवाजा मत खोलना। ओके, पास चाबी है, मैं खुद आ जाऊंगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है और फ्रिज में जूस भी रख दिया है, भूख लगे तो खाना खा लेना। ठीक है राज। फिर से याद रखो, कोई भी हो, किसी भी हालत में दरवाजा मत खोलना। तुम चिंता मत करो राज, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। विशाल का मकसद सिर्फ मुझे परेशान करने का है। वो चाहता है कि मैं उससे घबरा कर डर जाऊं, कमजोर पड़ जाऊं, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। That's nice. तो मैं ऑफिस पहुंच के तुम्हें फिर से फोन करता हूँ। बाय, टेक केयर। ओके, खाना खा लेना। हाँ, मैं पी लेना रेगुलरली। एंड टेक योर मेडिसिन। हाँ राज, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। बाय। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे कुणाल बेटा, ये कोई पूछने की बात है? वेलकम टू द ऑफिस माच। वेलकम। थैंक यू। आपने ऑफिस ज्वाइन किया, मुझे बहुत खुशी। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे।
माँ जी, भगवान ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तो दे दी आप सबसे मिलाकर, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुमने भी तो हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, हम सबका साथ दिया है। कमाल करते हैं, साथ तो मुझे देना ही था, आखिर आप सब मेरे अपने। मेहता साहब वो नए प्रोजेक्ट पर। जी मेहता जी, जी अभी नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ मैं अभी आता हूं, आधे घंटे में पहुंचता। ओके जी बिल्कुल। अरे वाह माँ जी, आज तो दोहरी खुशी का अवसर है, पहली तो ये कि आप ऑफिस आई और दूसरी कि मेहता जी का फोन आया है, बहुत बड़ी डील फाइनल करने वाले वो। अरे ये तो वाकई खुशी की बात है। माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये डील फाइनल करके आऊं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हें कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचाए। बस अब आपका आशीर्वाद मिल गया है ना, अब मुझे कोई टेंशन नहीं, सारी डील्स आज फाइनल करके आऊंगा। माँ जी मैं आपको वो नए प्रोजेक्ट्स वाली फाइल्स भिजवाता हूँ, आप एक बार देख लीजिए प्लीज। ठीक है माँ जी, और आज से ऑफिस में मैं आपको माँ जी नहीं कहूंगा, यस बॉस कहूंगा। और आप अपनी मुस्कुराहट इसी तरह बरकरार रखिए। मैं चलता हूँ माँ जी। कभी नहीं सोचा था कि अपनी मां से झूठ बोलने की नौबत आएगी, उनकी बात टालने के लिए बहाने की जरूरत पड़ेगी मुझे। वो राधा से मेरी बात कराना चाहती थी, लेकिन वो तो ये तक नहीं जानती कि राधा ने अब कुछ भी कहने सुनने के लायक छोड़ा ही नहीं मेरे लिए। कैसे बताऊं उन्हें कि राधा ने मेरे साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया है मुझे। एक दिखावे का रिश्ता ढो रहे हैं हम दोनों। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास की बुनियाद पर टिका होता है, लेकिन अब विश्वास की ये बुनियाद भी नहीं रही हमारे बीच, सब खत्म हो गया। कैसे बताऊं मां को ये कड़वा सच, जिसने अंदर ही अंदर इतनी चोट पहुंचाई है मुझे। मां आपको ये सच बताकर आपके मन को चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं तो इस दर्द को सह रहा हूं मां, लेकिन ये भी जानता हूं कि इस सच का दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मां। नहीं निकल नहीं गया हूं, पहुंच गया हूं, आपके ऑफिस के बाहर हूं, हाँ बस 2 मिनट में। हाँ ओके। हे भगवान, बस ये डील फाइनल हो जाए, फिर तारा को इस बात की खुशखबरी दूंगा। अब मेरी हर खुशी सिर्फ तुमसे जुड़ी है तारा, एक हम सफर के साथ होने का कितना अच्छा एहसास है। आई लव यू तारा, आई रियली लव यू।